बहुत दिनों के बाद हम ब्लॉग बना रहे हैं। बहुत सारी जगहों के तो हमने ब्लॉग बना लिए हैं, लेकिन अपना जो शहर है मेरा देवगढ़ बारिया का, तो उसका ब्लॉग अभी तक मैंने नहीं डाला है। तो आज हम ब्लॉग बनाने वाले हैं देवगढ़ बारिया का, तो देखते रहिए ऐसे ही अपने। तो फ्रेंड्स, ये देवगढ़ बारिया का बस स्टेशन, यहाँ पे ये नया बन रहा है पीछे की ओर। बस स्टेशन से होके हम समरी सर्कल जा रहे हैं। समरी सर्कल से होके ये नया गेट बन रहा है अपना, आई लव देवगढ़ बारिया बन चुका है ये गेट। तो गेट से होकर हम आगे जाएंगे, कन्यासाला रोड है, वहाँ से होके आगे की ओर जाएंगे। और ये मार्केट आ चुका है अपना, और यहाँ से होके हम जाएंगे सर्कल बाज़ार। तो सर्कल बाज़ार जो है अपने यहाँ, सर्कल बाज़ार पे रास डांडिया गरबा खेला जाता है यहाँ पे। ये खोखा बाज़ार वाला रोड है। और ये जो है नगर पालिका है पुरानी, और पुरानी नगर पालिका से होके हम आगे की ओर जा रहे हैं। और ये जो है ठाकुरवाड़ा है, ठाकुरवाड़ा से होके अब हम जाएंगे सीधे जलराम मंदिर। तो ये आ गया है अपना जलराम मंदिर। सीधा अब हम जाएंगे जलराम मंदिर से होके सीधा स्टेट बैंक की ओर। तो ये जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी आ चुकी है, और एक होती है, और इस तरफ दाहिनी तरफ जाएंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा आ जाएगी। और सीधा चलेंगे तो अपना सर्कल बाज़ार जो है वो आएगा। तो सर्कल बाज़ार से होके अब हम जाएंगे टावर शेरी की ओर। तो टावर रोड पे हम निकल पड़ते हैं अभी। तो सारा जो है नज़ारा आप लोगों को देवगढ़ बारिया का देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो अभी ये टावर रोड है अपना, ये जो है अपना टावर है, काफ़ी पुराना वाला स्टेट समय से है। और यहाँ पे जो है आई लव देवगढ़ बारिया लिखा हुआ है, अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और ये जो है सामने जो है गार्डन है। और ये जो है अपना मार्केट एरिया है, जो शुक्रवार बोलते हैं। मार्केट वाले एरिया से होके हम अब रिटर्न जा रहे हैं ये अपना जो समरी सर्कल है वहाँ की ओर। ये जो रास्ता है, ये जो बस स्टॉप वाला रास्ता है, और ये बस स्टेशन पे नई दुकानें हैं। फाइनली ये आ चुका है अपना पुलिस स्टेशन वाला सर्कल, और ये सामने जो है पुलिस स्टेशन है, और बाजू में ही ये कोर्ट है। और यहाँ से होके अब हम जाएंगे अपना एसआर हाई स्कूल है, काफ़ी पुराना है, 100 साल पुराना है। यहाँ पे ही हमने पढ़ाई की है। और ये जो है नया गेट जो बनाया है नगर पालिका ने, टापड़ी रोड पे है। ये जो है सिविल हॉस्पिटल वाला रोड है, और यहाँ पे मिनिस्टर भी रहते हैं। और
ये जो आ गया है कानपुर रोड पे जो नया बना हुआ है स्वामी विवेकानंद सर्कल, तो ये सर्कल है यहाँ पे कानपुर रोड पे। और ये जो है सामने अमन पार्लर, और एक रास्ता स्टेशन फेरी की ओर, एक रास्ता सिविल हॉस्पिटल की ओर जाता है। अपना ब्लॉग था देवड़ बारिया का ब्लॉग था, तो वो आपने शूट करके आप लोगों को दिखा दिया है। और नेक्स्ट ब्लॉग जो है देवड़ बारिया का आने वाला है, क्योंकि अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया अपना ब्लॉग, क्योंकि उसमें बारिश की वजह से हमने पूरा ब्लॉग नहीं कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट ब्लॉग बनाने वाला है देवड़ बारिया का, तो आप लोग का भी सजेशन हम मांगते हैं। तो आप लोग सजेशन दीजिए कि देवड़ बारिया में कौन सी जगह को शूट करने वाली है अच्छी जगह, तो आप लोग बोलेंगे तो हम वहाँ पर भी शूट करेंगे। पूरा देवगढ़ बारिया तो आप लोगों को दिखाने वाले ही है वैसे तो, लेकिन अगर आप स्पेशली बोलेंगे तो वो भी हम कवर कर लेंगे। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो अपना देवगढ़ बारिया वाला ब्लॉग तो लाइक कर दीजिए ना, और अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कॉमेंट भी कर देना ताकि हम लोगों को पता चले कि मेरा ब्लॉग जो है देवगढ़ बारिया वाला वो कैसा है। तो ऐसे ही बने रहे हमारी चैनल पर ताकि नए नए वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाए। धन्यवाद।